हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुमे और विजय अभी मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि अगेन मेरा जो चश्मा का प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं जाके क्या होता है। ऐसे तो हम लोग सोच रहे हैं किसी दुकान से अगर इंस्टेंट मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ देखते हैं लेंस कट में और कितना टाइम लगाते हैं। तो चलिए हम अभी चलते हैं, मैं और विजय दोनों साथ जा रहे हैं। एक तो कॉलेज पे गया जिस कारण से वो मेरे साथ नहीं जा सकती है। मैं और विजय यहाँ पे वेट कर रहे हैं कार वाले का, और मैं जो मास्क लाना भूल गई थी तो इतना गई है मेरे लिए मास्क और स्टॉल लाने के लिए। फिर उसके बाद विजय ने बोला मुझे भी चाहिए स्टॉल, तो एकता इसके लिए भी गई है स्टॉल लाने के लिए। विजय मास्क वास्क पूरा लगा के आ गया है शर्ट वेट होके, बट मैं अपना मास्क ही भूल गई थी रूम पे। अभी चिल्लाएगी एकता ऊपर से आएगी और फिर उसके बाद दिमाग उसका वैसे ही ख़राब है, पता नहीं किस रीज़न से है, पता नहीं। यहाँ पे कैब आने में बहुत वेट लगाता है ना, इस रीज़न से उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। अगर वेट नहीं लगाता है वो इतना, बल्कि ना पागल लड़की, ठीक है, फालतू का दिमाग ख़राब करती है। अपने दिमाग को है नहीं तो ख़राब कर लेती है, जितना उसका ख़राब है। अभी नहीं है मेट्रो में भी जाओ, जितना दिमाग उसके पास है उतना मेरा ख़राब रहता है। ये सब कितना वो प्रीवियस डायलॉग है, बहुत ओल्ड फैशन का ये डायलॉग हो गया। तो नया फैशन का डायलॉग लाइए ना मेरा बोलने के लिए। हाँ तुम एक ब्लॉग देखी होगी, उसमें तुम पता है क्या बोली हो? देखना वो वाले जिसमें एकता को तुम लोग पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। विजय जा रही है फिर से वैसी लेंस कार्ड में। अच्छा पूछ लेते हैं एक बार इनके पास, अगर लेंस मिलेगा तो फिर ले लेते हैं। मैं फिर से वही लेंस कार्ड पे आई हुई हूँ जहाँ से मैंने चश्मा नहीं लिया था। तो अभी मैं क्या डिसाइड किया है, मैंने अभी मैं लेंस ले लेती हूँ और फिर ये जो बता रहे हैं 4 to 5 days में मैं होम डिलीवरी करवा लूँगी, तो तब तक मैं झेल लूँगी और क्या कर सकती हूँ। मैंने यही चश्मा सेलेक्ट किया था ना। हाँ ये शंकर के लिए, हम दोनों ने सेम ही किया है। ये शंकर के लिए, ये मेरा। अब मैं इसका बिलिंग करवाऊंगी, भैया चेक कर रहे हैं। ये विजय देखना, तो ये सही रहेगा ना, ये शंकर कैसा है? ये देखिए, ये दे शंकर भैया। हाँ ये तो, ये तो हम अपने लिए दे रहे हैं, ये शंकर के लिए दे रहे हैं। ये वाला ना, ये ले लेना, ये हटा दीजिए, ये वाला 8 to 2। तो ये हटा दिए, दोनों भाई बहन का एक जैसा अच्छा नहीं लगेगा ना, उसका थोड़ा सा डिफरेंट। मैंने राउंड शेप में बहुत सारा पहना हुआ है, तो इसलिए मुझे राउंड शेप पहनने का मन नहीं है। और शंकर ने राउंड शेप में पहना तो है, बट मेटल वाला शंकर ने नहीं पहना है, तो इसलिए मैंने उसके लिए इस बार मेटल वाला लिया है। बट ये है, मम्मी का फ़ोन आया था कि गोलू को फ़ोन करना है। क्या पूछ रहे हो? 2.25 लेफ्ट में आपका 2.5। अच्छा ठीक है, दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं, टोटल आपका 1398। ठीक है, 1398 है। दोनों का अभी ही पेमेंट करना पड़ेगा कि मोबाइल से? पेमेंट बाय पेटीएम कार्ड कैश? एक का तो कैश में देंगे। अच्छा कार्ड पेमेंट हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है कार्ड पेमेंट कर देंगे। और इसका इसका पहले इसका भी फाइनल कर दीजिए। हाँ इसका भी, इसके बिल की बात कर लेते हैं। क्या
विजय एकदम शर्मा रही है, मुझे बोल रही है कि मुझे शर्म आ रही है बात करते हुए। एक सेकंड देखना था, मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता है। टैप हो जाएगा। हेलो, हाँ इसका पासवर्ड क्या है? हाँ बोलिए कि इसका पासवर्ड क्या है? नहीं, कार्ड पेमेंट के लिए पैसा निकालते हैं एटीएम से, तो उसका पिन मांग रहे हैं, तो इसमें रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। फिर से करना पड़ेगा? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ही किया है, नहीं होगा तो फिर कर लेंगे दूसरे से। नहीं नहीं है टाइम के लिए। लेंस कैसे होते हैं? नहीं अभी। अच्छा इसमें कलर वाला भी आएगा क्या? नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंट ही रहता है ना। ठीक है, तो अभी रखो, हम देख लेते हैं। विजय एकदम मास्क नहीं हटा रही है। नहीं विजय, हमें लिपस्टिक ज़्यादा हो गई। कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा बताएंगे? 6:30 बजे। क्यों, रमजान चल रहा है? रमजान स्टार्ट हो गया? अच्छा, नहीं वो तो दुर्गा पूजा के टाइम पे रहता है ना, अक्टूबर के टाइम पे। अब भी तो दो टाइम रहता है, चेंज होते रहते हैं। दो टाइम नहीं, एक ही चेंज होता है। एक महीना चलेगा अभी, एक महीना चलेगा आप लोगों का। मेरे को लग रहा था कि अक्टूबर के सीजन में जब हम लोग दुर्गा पूजा आता है ना, उसी टाइम पे चलता है। नहीं, वो चेंज हर साल 6-15 दिन पहले ही आ जाता है, चेंज हो जाता होता रहता है। कहाँ रील बना रहे हैं? अच्छा ये लोग बना रहे हैं, तुमको भी बना रहा है? अच्छा विजय बोल रही है, चारों लड़का जो है यहाँ पे रील बना रहे हैं, विजय को भी बनाना है। मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने ऐसा बोला मुझे रील बना ली है? हम तुम्हारे मन की बातों को बोल रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं ना। आपका पति है क्या? थैंक यू। बोल रही है कि दीदी आपने मुझे आपने बोर कर दिया, मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? वैसे गेट खोल के बाहर जा रही हूँ, बाहर मिट्टी करी धूप में, मुँह उठा के वापस चले गई। इस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। घर तो नहीं है, बट ठीक है, ऐसी वैसी चल रहा है तो हमारे लिए तो ठीक ही है। मुझे बोल रही है मेरा लिपस्टिक बहुत ब्राइट लग गया है, सॉरी बहुत डार्क हो गया है, तो इसलिए ये मार्क से अपना लिपस्टिक को छुपा रही है। इसका आइकॉन देखिए, ब्लू कलर का साइड से दिख रहा है निकला हुआ, इसको क्या बोलते हैं? आईलाइनर तो ठीक है, वो साइड से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके इंग्लिश बता दीजिए। यहाँ पे मेरा और विजय दोनों सेम ही पहने ऑलमोस्ट, बट मेरा जींस ब्लैक है और एकता का टॉप, सॉरी विजय का टॉप ब्लैक है और मेरा शर्ट ब्लू है और विजय का जींस ब्लू है। मैं लगा रही हूँ, मैं ट्राई कर दूँ, दोनों का तो सेम ही है। सेम नहीं है, 2.5 जिसका है ना वो आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अच्छा ये राइट है क्या? अभी तो मैं एक गिराई कर रहा हूँ।
हैंड वॉश कर लिया आपने? अपने हॉस्पिटल ले जाएंगे ठीक है। दिखाओ लाइट आ गया ना ये नहीं लगा डॉक्टर लग रहा है ना लग गया आई स्लो करके मूव कर राइट लेफ्ट अप डाउन सेट हो गया दिख रहा है सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है विश्वास नहीं हो रहा है रुक जाए एक ही आँख से मेरे को क्लियर दिख रहा है दूसरा आँख में लेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है बताओ तुम सिर्फ इस साइड से ना थोड़ा सा वो फैट फैट सा लग रहा है जा रही हूँ गर्मी लग रही है बहुत धूप है बहुत गर्मी है बहुत धूप नहीं है ऐसा लग रहा है कि हमें ना गर्म हवा में कोई डाल दिया है जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन हम लोग गोरी लग रही हो ना मैं तो वैसे तो मैं गोरी हूँ ऊपर से मेरा ये नेल पेंट कितना मस्त लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ये हम आ गए मेट्रो स्टेशन मस्त है यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है क्योंकि मैंने लेंस लगाया हुआ है और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मुझे हर एक चीज़ जो है पूरा क्लियर दिख रहा है बच्चा बहुत है हम इस ब्लॉग के एंडिंग पार्ट पे और आपको मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा और जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर करते रहें तब तक के लिए बाय बाय स्टे हैप्पी बी कनेक्टेड और मेरे ब्लॉग को जो है सपोर्ट कीजिए प्लीज़ बाय।